कि हमारा पाएगो एहसान कर दी जीजा जी, हमारा पाएगो एहसान कर दी जीजा जी, प्यार को के तनी सा जवान कर दी जीजा जी, प्यार को के तनी सा जवान कर दी जीजा जी, गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी, गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी, हवा में जन तू धारावा हो बलाते ना तक काट ले हम दाते। तो सबसे पहले रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पीछे पोस्टर हमें दिख रहा है और आज गाना रिलीज हुआ है काट ले हम दाते, बताइए गाना कैसा है और कैसे आज प्रेस इनवाइट हुआ? सबसे पहले जितने मेरे मीडिया बंधु हैं सबको दिल से प्रणाम है, स्वागत है आप लोगों का। और आज गाना रिलीज हुआ है, आप सबका प्यारा चैनल है आप लोगों के रंजीत सिंह ऑफिशियल से गाना रिलीज हुआ है काट ले हम दाते, और बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है और आर्केस्ट्रा टाइप का सॉन्ग है। बारात उरात जो कि अभी लगन का माहौल है तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा। दो लाइन हो जाए इसके बाद फिर कुछ चर्चा करेंगे। गाने का बोल है, लड़का बोलता है कि 10-20 लेबू ना तो 100 ले लो, खुश करके धान हई मोय ले लो, 10-20 लेबू ना तो 100 ले लो, खुश करके धान हई मोय ले लो, कि डाली जगह पर मोट तो तू रोक देलू हाथे, तमु हवा में जन तू धारावा हो बलाते ना तक काट ले हम दाते, छोड़ दे बके हुओ के गइल बराते धके काट ले हम दाते, मुहावा में जन तू धारावा हो बलाते ना तक काट ले हम दाते। बगल में राइटर साहब भी बैठे हुए हैं, गाने को इन्होंने लिखा है, किस परिवेश में लिखा था, क्या चल रहा था दिमाग में, कुछ गर्लफ्रेंड से झगड़ा उगड़ा हुआ था या फिर कुछ और आप सोच रहे थे इसके बाद इतना प्यारा लिरिक बन गया है? गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद तो मूड ऑफ हो जाता है और वैसे भी झगड़ा होने के लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छा था। आजकल माहौल चल रहा है, लगन का सीजन चल रहा है तो ये बारात का जो नचनिए से थोड़ा सा होता है नोक झोंक उस टाइप का मैटर है तो रहिए। रंजीत जी आपके बैक टू बैक जितने भी गाने आ रहे हैं सब उसी पैटर्न पे रहते हैं, कुछ बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट होता है, कितनी उम्मीद है काट ले दाते से, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, लोग डीजे बजा के नाच रहे हैं, खूब बारात भी जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि सीजन बिग हिट होने वाला है बहुत सॉन्ग आपका? अभी तो लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है गाने को, अभी गाना आया था माजा लादी तो गाना काफी प्यारा हिट हुआ आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, जवान का दीजिए अभी जो भी चल रहा है, इसके बाद ये गाना आया है तो लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो इस गाने से भी हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मिलेगा, और आर्केस्ट्रा टाइप का सॉन्ग है और अभी माहौल चल रहा है बारात वाला तो जरूर आप लोगों का प्यार मिलेगा इस गाने को। हर सीजन में कोई ना कोई एक गाना होता है जो काफी क्लिक बिट रहता है आपका, और जब 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 भी आप बनाते हैं तो काफी मूडी और चूची भी रहते हैं, तो क्या गाने को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं कि किस पैटर्न पे काम करना चाहिए, गाने के लिरिक्स के किस तरह से आप ध्यान देते हैं? गाना जिस टाइप का चल रहा है उस टाइप का ये गाना है, और नौजवान भाई जो कि बारात उरात में नाचते हैं पूरा डीजे वजे पर तो उस टाइप का ये सॉन्ग लिखे हैं भाई मेरे सूरज सिंह जी, तो बस। राइटर साहब हमेशा आप चर्चे में रहते हैं, कभी आपके गाने कुछ बड़े सुपर स्टारों के भी रहते हैं, कभी रंजीत सिंह के साथ भी रहते हैं, तो आपके ट्यूनिंग सबसे ज्यादा आप किसके साथ जमते हैं, क्योंकि हाल ही में पावर स्टार के भी आपने होली सीजन में गाने लिखे थे इसके वजह से और पहले रितेश पांडे के भी, तो रंजीत सिंह के साथ जब आप कोलाबरेट करते हैं गानों को लेकर तो क्या ध्यान रखते हैं? एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा मेरा जोड़ी जमता है रंजीत भैया के साथ शुरू से ही और अभी तक, मैं कितना भी कोई भी स्टार के साथ काम कर लूँ लेकिन भैया के साथ जब मैं काम करता हूँ तो एक अलग मुझे वो होता है, और भैया के साथ काम करके मुझे सारे जितना भी शुरू से मेरा पहला गाना हिट हुआ था हिरोगा सखी भैया के, फिर आप अच्छी ले लो, फिर लागत नहीं के पढ़े में माना ना, अभी सावन में था फिर छोड़ ले जब से मन लगा के पढ़ा तनी रे जड़ा में यार छोड़ के घर आ जाना, जवान कर दीजा जी और बहुत सारे गाने हैं, तो भैया के साथ में जो मेरा गाना आता है तो उससे मुझको बहुत उम्मीद रहता है, क्योंकि जितना भी गाना आता है
तो उसको लोग भर भर के प्यार देते हैं। और बैक टू बैक गाना कब आने वाला है और अगला गाना कौन कब आएगा? एकदम लगातार अब गाना आने वाला है, हर एक तरह का गाना है, कुछ जयमाल वाला, हर तरीका का गाना बना हुआ है, डीजे वाला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, एकदम गर्दा आई तो हो। मैं लगन का तगड़ा गाना आ रहा है, मैंने जैसे खोदा खोदे चाहे हुरा हुरी गाने जो आ रहे हैं वैसा मैंने आना चाहिए सब आ गए। जैसे कि भैया गाना गाना एकदम ऑर्केस्ट्रा टाइप का सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा एकदम गाता मच जाएगा। गाना का भी टाइटल है काके हम जाते हैं, काजल राज जी के आपको जाते काकी है शूटिंग के टाइम या फिर शूट करते समय ऐसा हुआ है कि पैसा तैयारी कर रहे हैं तो दाते काकी है? हाँ वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरा दाते दबोच रही है। नहीं होता है कि हम स्टेज पर आप लोग जाते होंगे तो पूरा मूड में जब बन जाता होगा तो आप लोग ऐसा होता है मूड आदमी नचनिया के मुंह में डालता है भाई, कोई को नचनिया होती है तो प्यार से अपना ले लेती है, लेकिन महत्व है मैं लग रहा है दर्शक को पसंद आएंगे नौजवानों। भैया एक सवाल मेरा ये रहेगा, सबसे ज्यादा मार्केट में घूम रहा है कि बड़े सुपरस्टार है इंडस्ट्री के पवन सिंह, लगातार जब से एक्टिव हुए हैं बाकी सबका मार्केट खा गए हैं, छोटे सिंगरों को बहुत प्रभाव पड़ा है, तो मैं डायरेक्ट रंजीत सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आपको कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए प्रभाव का बात नहीं है, पवन भैया एक्टिव हुए हैं सही बात है और गाना बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, इससे कलाकारों को घबराने की बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि गाना पर अपना ध्यान देना है, लिरिक्स पर ध्यान देना है, अच्छा अच्छा गीत मार्केट में देना है, वैसा कुछ नहीं है। पवन भैया का फैन जो है अलग है, हर कलाकार का फैन होते हैं, बस अच्छा अच्छा गाना देते रहिए, बाकी आप इतना अच्छा सोच रहे हैं कुछ कलाकार फिर मिला गए हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, बड़ा बड़ा के बात कर रहे हैं लाइव आके, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, अपना जो रास्ता है अपना करते रहिए, अच्छा अच्छा गीत गाइए, अपना अपना मार्ग पर चलते रहिए, दूसरे को देख कर क्या करना है। एक सवाल है, मिलियन व्यूज आते हैं, करोड़ों अरबों दर्शक उनके चाहने वाले हैं, एल्बम की दुनिया में बिहार का नाम पहले नंबर पे आता है, क्या नहीं लगता है कि भोजपुरी सिनेमा खत्म हो गया? बिल्कुल एल्बम में झुकाव इस वक्त ज्यादा हो गया है सभी सिंगरों का, लेकिन देर हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी चल रहा है अंदर अंदर कुछ बड़ा होने का, तो बहुत जल्द आप कुछ देखिएगा। बड़ा हो भी रहा है, जैसे कि अभी पवन सिंह जी के हर हर गंगे मूवी आने की तैयारी चल रही है, चार पांच भाषाओं में डब होगी फिल्म, इसको पहली बार ऐसा भोजपुरी में हो रहा है, तो रंजीत जी कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है, और वो फिल्म जब आएगा तो बाकी के सब जितने प्रोड्यूसर हैं चाहे आर्टिस्ट है कुछ ना कुछ फिल्म से सीखेंगे तो उससे भी बड़ी फिल्म बनेगी, उसी तरह एकदम चलता रहेगा काम। अच्छा आपको ये लगता है कि इसको मल्टीप्लेक्स मिलना चाहिए? बिल्कुल, और जिस तरह से तैयारी है जिस तरह से एकदम शोर है बिल्कुल मिलेगा। रंजीत जी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से आपके बैक टू बैक गाने रहे, कुछ बहुत बड़े गाने रहे, काफी हिट भी रही, लेकिन आप कभी सोशल मीडिया पर आके हंगामा नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते, वो चिल्लमचाली नहीं करते, आपके जो गाने रहते हैं पॉपुलर लोगों तक पहुंचते हैं, ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं, क्या आपको कभी नहीं लगता कि हम भी लाइव आए खूब चिल्लाए इसको कुछ बोले उसको कुछ बोले, क्योंकि भोजपुरी के प्रथा तो क्या चली आज सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज करना? बॉलीवुड में भी चाहे बहुत सारे हिंदी सिंगर हैं जो जिनका गाना चलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दिन भर लाइव आते रहते हैं उनके बारे में पूरा बोलते हैं, उनके बारे में पूरा बोलते हैं, ऐसे ही गाना चलता है, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना श्रोता है। आपको ये लगता है कंट्रोवर्सी का बहुत फायदा भी है, कंट्रोवर्सी वाले से फैन फुलंग थोड़ी बड़े लगते हैं, थोड़ा इंसान हाईलाइटेड हो जाता है, फेम में आ जाता है, तो हम भी हमारे आपके भी कई गाने हैं ऐसे जो चोरी हुए हैं कॉपी हुए हैं, आपको भी लाइव आकर बोलना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, ऐसा थोड़ा है हमारा कि मेरा गाना चोरी होगा हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा भी हम लोग पर टच होगा बिना मतलब का कोई तो हम लोग रेल देंगे धक्के। और आप लोग किस लिए हैं, आप लोग बुलाकर एकदम विधिवत तरीका से एकदम रेला जाएगा। अच्छा अभी हाल ही में आपका एक और गाना बज रहा है प्यार तो के तनिसा जवान पदा जी, हाँ। चाहेंगे कि उस गाने के बारे में भी दो शब्द कहिए कि वो गाना इतना अच्छा खासा चल रहा है, लगभग 1 मिलियन क्रॉस भी हो गया है इस सीजन में, देख रहे हैं रोज टोज पूरा हो रहा है, इस सीजन में जीजा साली पर दो लोग आए हैं, एक बड़े भैया कौन भैया गए हैं जीजा साली पर गाना की गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी,
गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी। ये गाना आइला के बाद पब्लिक के हमरा से डिमांड रहे बड़ी कि कुछ ऐसा नहीं टाइप के कुछ गाना बनावल जानू कि गाना बाज हो रंजीत भी एक साथ। पवन सिंह आते हैं तो गोदी में लेके खोद देते हैं, रंजीत सिंह आते हैं तो गोदी में लेके जवान कर देते हैं। जवान करने की दवाई है कि फॉर्मूला है कुछ, थोड़ा इसको बताइए। जवान करने का बहुत सारा तरीका है, कुछ सिखा दीजिए ऑडियंस को ताकि दवाई की जरूरत ना, छोटी है वो जवान हो जाए। कोई भी चीज हो जिससे शरीर को प्रॉफिट हो जिसी को ना बोलते हैं। तो गाने का बोले थे कि हमारा पाए गो एहसान को दी जीजा जी, हमारा पाए गो एहसान को दी जीजा जी, प्यार को के तनी सा जवान को दी जीजा जी, प्यार को के तनी सा जवान को दी जीजा जी। वाह क्या बात है, तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। काम भी अच्छा रहा वगैरह आ रहे क्या आपका? मूवी वगैरह, मूवी वगैरह एक तो आया था लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन अब वेब सीरीज आ रहा है। और भैया बोले कि अब वेब सीरीज की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है, तो तीन चार वेब सीरीज मैं करने वाला हूँ। एक सवाल मेरा रहेगा बिहार सरकार से, आप लोग कलाकार हैं चाहे वो हीरो हो या सिंगर हो या नहीं, कभी बिहार सरकार से आप लोगों ने एक मंच पर आने की मांग क्यों नहीं की? और जातिवाद का जो मुद्दा उठा करके आपस में भाईचारे और बंटवारा जो करते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार की जो गरिमा है उनको भी ठेस पहुंचता है और बिहार सरकार तो इसका भरपूर फायदा उठाता है, क्योंकि कलाकारों के प्रति कभी भी सोच नहीं रहा सरकार का कि हम अपने बिहार के कलाकारों को कहीं सहयोग दे, सपोर्ट दे, सब्सिडी हो या अन्य सुविधाएं हैं, बिहार सरकार नहीं देता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बात है, लेकिन जहाँ तक अश्लीलता और ये जातिवाद वाला जो बात बोले, इस पर तो रोक लग चुका है। कोई भी अगर अश्लील गाना गाता है चाहे जातिवाद गाना गाता है तो आप उसका लिंक भेज थाना में भेज दीजिए, फायर हो जाएगा उस पर, ऐसा नोटिस निकल चुका है। बाकी जो सब्सिडी और जो है सुविधा जो भोजपुरी कलाकारों को मिलना चाहिए, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, अन्य कलाकार हो, सबके, इसके लिए सरकार की तरफ आप लोग रुझान क्यों नहीं है? नहीं, अब हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा। सर आप लोग करोड़ों दर्शक हैं, व्यूज हैं, आप लोग सरकार से बड़े ताकतवर हैं, जहाँ आप खड़े हो जाएंगे हजारों की तादाद में जनता के साथ खड़ी रहेगी। नेताजी विधायक जी चार लोग को लेकर खड़े रहते हैं, कलाकार एक किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए तो हजारों लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े, तो जन समर्थन आप लोग का ज्यादा है। कलाकारों के साथ साथ आप लोग का भी सहयोग चाहिए इस मामले में। हाँ वो तो आप लोग का आवाज आप लोग उठाइए, वहाँ तक ले जाइए, लेकिन आप लोग आगे चलना। बिल्कुल एकदम हम लोग तैयार हैं, सरकार से कुछ मांग कीजिए। जैसे गाना जो व्यूज मिलियन में आता है झनाटेदार, अभी जो कर रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ झनाटेदार सरकार की तरफ भी सुझाव। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी। चलिए अच्छा लगा रंजीत जी आपसे बातें करके, और आपने अपने गाने को लेकर प्रमोट भी किया, लोगों से फैंस से अपील भी की। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और अच्छे अच्छे गानों को आप लोग सुनते रहिए, हर कलाकार का गाना सुनिए जिसका गाना अच्छा, और स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए। जो स्ट्रगल किया है इतिहास उठा कर देख लीजिए, वो आगे तक गया है। बस आपका भाई छोटा रंजीत सिंह, इस भाई को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, बाकी मेहनत मेरा जारी है, आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए। बहुत बधाई।